हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी तरफ से सबको एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। रात के 9 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं जी, लाइटा सेट कर लो पहले। हम लोग जा रहे हैं जी गुरुद्वारा साहब सेक्टर 8 चंडीगढ़ के। वहां क्यों जा रहे हैं? एक तो गुरुपुरब का माहौल है, कल गुरुपुरब है, तो एक रात पहले जा रहा हूँ मैं। व्लॉग शायद गुरुपुरब वाले दिन ही आएगा या उससे आगे आएगा, क्योंकि उससे पहले एक और व्लॉग पेंडिंग था। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे हांगकांग से ना 8 लाख के फूल आए हैं जो लगाए गए हैं 8 सेक्टर वाले गुरुद्वारा साहब में चंडीगढ़ के। हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि गुरुपुरब भी है। 555th बर्थडे है गुरु नानक देव जी का, प्रकाश उत्सव, उसी के लिए हम जा रहे हैं एक रात पहले। देखते हैं वहां पे जाके क्या माहौल होगा। काफी रील्स वायरल हुई हैं कि ऐसे ऐसे फूल आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाके आपको दिखाएं वो फूल, खुद भी देखें। ठीक है जी, तो ज्यादा टाइम ना लेते हैं, सीधा मिलते हैं आपको 8 सेक्टर जाके चंडीगढ़ के। रात को इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि रात का माहौल ही अलग होता है। कल तो वैसे ही बहुत भीड़ होगी गुरुपुरब वाले दिन, शायद लंगर भी खाएंगे। हाँ, लंगर भी देखते हैं वहां जाके। ये भूखे आए हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं तो कह रहे लंगर खाएंगे हम। ठीक है जी, आ जाओ फिर। देखो गाइस, सेक्टर 8 का गुरुद्वारा साहब कितना सोहना सजाया गुरुपुरब के मौके पे। देखो इथे हुण एक स्पेशल गल है, इथे कहिंदे हांगकांग तो फुल मंगाए ने 8 लाख रुपए दे, ओही देखने आए हम वैसे, वो भी और माथा भी टेकने आए। देखो गुरुद्वारा साहब सेक्टर 8 चंडीगढ़ का, काफी गाड़ियां भी खड़ी हैं। एक गुरुपुरब से एक रात पहले की वीडियो है। देखो जोड़ा घर, पीछे निशान साहब भी सजाया हुआ पूरा, आ रहे फुल ओए रंग बिरंगे, देखो गेट पे लगे हुए। आपां हुण गड्डी लब्भी है कित्थे लाउणी है, ओहो वाह वाह वाह, तुहानूं उत्तर के दिखाउणे अंदर चलदे आ। बैक साइड ते गड्डी लाउणा मैं गुरुद्वारा साहब दे जिहड़ी मेन जगह। देखो नाल ही मंदिर है, किन्नी खूबसूरत मंदिर भी सजाया हुआ। गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, आप बैक साइड ते पार्किंग ते गड्डी लाउणे। घर हजे भी सजे हुए दिवाली तो बाद। और पोल्यूशन देखो कितना है, दिख नहीं रहा कुछ, अज शीशे का कसूर नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर फॉग ही फॉग है, स्मॉग पटाकियां करके ये वो करके। आप सड़क ते गड्डी नहीं लाउणी, पता लगे पुलिस वाले चलान करके, नेवर नो, गिफ्ट दे जान सानू गुरपुरब दा। ये देखो घर अभी भी सजे हुए हैं। चलो गाड़ी लगाते हैं बैक साइड पे, वहाँ भी वैसे जगह तो नहीं होगी, लोग भी बथेरे चलाक ने, कल साडे नूं चलाकी आउंदी हुई है, मैं पता जे पिछे इत्थे भी गड्डियां खड़ी हुई हैं ब्रो। कल तो पूरी भीड़ होगी यहाँ पे, लंगर लगता बड़ा कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिलता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ, मटर पनीर पर माया था, खीर बड़ी स्वाद होती है, मटर पनीर और बढ़िया बढ़िया रोटी होती है। अच्छा गुरुवार लंगर से दाल भी बड़ी सोहनी लगती है, मतलब टेस्टी, कभी दाल भी ऐ हो जाती है, लंगर तो चलो एक भीड़ भी तो पूरी होती होगी। नहीं बारी आ जाती है ऐसे नहीं, देखो जा रही लेडीज मत्था टेकन। ये देखो सजाया हुआ, गड्डी लाई है हुण इत्थे, एंड लेट्स वॉक। देखो जी गुरुद्वारा साहब, वॉकिंग डिस्टेंस गाड़ी वहाँ पे लगा दी हमने पीछे, वो देखो कितना सोहना लग रहा, रंग बिरंगियां लड़ियां दे नाल सजिया होया। देखो पिंक ग्रीन निशान साहब भी पूरा सोहना लग रहा सजिया होया गुरपुरब के मौके पर। पोल्यूशन नहीं पर वधिया लग रही सानू, घर इनका गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में, कितना पीस आता होगा ना जो दिल की मत्था टेकन चले गए। बड़ा फेमस गुरुद्वारा साहब है सेक्टर 8 का। देखो क्या बात जी क्या बात, लंगर यहाँ पे बनेगा सारा कल। हाँ फूलों वाले डेकोरे, फुल ही फुल दिखाने आप इधर ही आ जाओ। देखो लंगर बनना इतने, कल अज ही बन लग जाना रात में, मैं कहना इतने स्टे ना करिए गरम गरम चप्पल। देखो लकड़ा लुकड़ा पई, मसाले मसूले रेडी। देखो जी लंगर दी तैयारियां फुल, कितना कुछ है वो देखो, टमाटर प्याज। हाँ ये हैं फूल लगे हुए, आए बाबा जी फुल लगे जड़े, फुल लाल आए ने। हाँ जी अभी लाए सारे, हांगकांग तो आए। अच्छा आ जाओ, ये हैं जी फूल जो हांगकांग से आए हैं। हांगकांग वाले फूल में क्या फर्क है यहाँ से? ये हैं अंदर, पता नहीं वीडियो लाउड है नहीं लाउड है, यहाँ तो देख लो। और बाहर भी तो दिखाना, वो देखो एक अमकार कितना सोना बनाया, वाह ये भी कोई वैरायटी है, असली है ये, असली है, पत्ते पड़े नीचे दे नहीं पत्ते हैं यार नीचे,
असली है, कई असली है, बिचो कई असली है, कई नकली है। ये तो असली है, देखो चिपरे पत्ते पुते। ये है जी फुल सेक्टर 8 से गुरुद्वारा साहब, देखो कितना सुंदर सजा हुआ है। वाह, यहाँ का वैसे भी नहीं व्लॉग बनाया था कभी। चलो गुरपुरब से निशान साहब से मत देख लो, निशान साहब सोना सजाया। ये हैं जी फूल हांगकांग वाले, मेन एंट्रेंस पे देखने पर। ये देखो ऊपर भी हैं, गेंदे के फूल हैं, मेरे को लग रहा है ये हांगकांग वाले। ये तो देखो डिजाइन बना रखा है इनसे, किनारे किनारे से देखो, इसे देखो वो सारे देखो। गेट पे फूल देखो, हाँ वो सारे हांगकांग वाले हैं। आठ गेट पे फूल देखो, हाँ ये वाले देख बीच में, ये बड़ा सुंदर बनाया। 8 लाख के हैं ये, अंदर वाले मेन है, अंदर वाले तो है ही फिर मेन। ये देखो जी गुरुद्वारा साहब, एक बार उसे अंदर चले मेरे, चले अंदर ही चल लेते हैं, टेक लेते हैं। देखो जी देखो क्या बात है, देखो जी गुरुद्वारा साहब से वीडियो भी चल रही है पूरी लाइव। ये देखो सामने जिसने देखना है, इधर डेकोरेशन हो रही है, अंदर भी 8 लाख के फूल लगे हुए हैं। देखो अबे हमें फूल असली हैं ये सारे, हमें फूलों की वैरायटी तो पता नहीं पर सारे अंदर लगे हुए। देखो सेक्टर 8 का गुरुद्वारा साहब, अजय तैयारियाँ और चल रही हैं। देखो लिफ्ट लगी हुई है, हाँ मशीन देखी हाइड्रोलिक वाली, अंदर भी पूरे कीर्तन चल रहा है। देखो लाइव चल रहा है, मतलब लाइव तो नहीं, मतलब पता नहीं किस चीज़ पे चल रहा है लेकिन चल रहा है। देखो गुरुद्वारा साहब सेक्टर 8 चंडीगढ़, यहाँ पे कर रहे हैं कुछ। इधर भी गुरु ग्रंथ साहिब है, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा सोहना गुरुद्वारा है बने आया सेक्टर 8 चंडीगढ़ के। बाहर से गुरुद्वारा पातशाही 10वीं पिंड कालीबाड़। अच्छा पहला पिंड होता देख लो चंडीगढ़, हाँ देख गांव का नाम अभी भी लिखा हुआ है ऊपर, पिंड कालीबाड़ पहले गांव होता था। हाँ ये देखो जी फुल गुलाब दे भी फुल हैं सारे, तरह तरह के फुल ने। मेन एंट्रेंस गुरुद्वारा साहब, सतिकाल जी सतिकाल। देखो जी एक बार फिर ग्लिम्स ले लो गुरुद्वारा साहब का। देखो रोजाना होता है यहाँ पे, रोजाना दीवान का समा भी लिखा हुआ है। मेन एंट्रेंस और मेन यहाँ पे जो आज खास बात है, एक तो गुरपुरब तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पे 8 लाख के फूल लगे हुए हैं, हांगकांग से मंगाए हैं। देखो सारे पासे सजावट भी चल रही है, अजय ऊपर लगे हुए बंदे कर, अंदर भी जिमें तुम दिखाया है सारी जगह चल रहा है। मेन एंट्रेंस इधर है जी गुरुद्वारा साहब की। देखो कल पूरा सज जाना तो कल गुरपुरब का देना है, प्रकाश उत्सव है कल, मेन लाइव भी चल रहा है वहाँ पे। गुरुद्वारा साहब च खड़े हैं जी, देखो ये लंगर की तैयारी कर रहा है कि लंगर में क्या बना, बार बार इसके कह रहा है क्या बना क्या बना। एक दिन गुरुद्वारे एक दिन पहले ही लगे हुआ है, गुरपुरब कर लिया, इन्हू अज ही चाहिए लंगर। चलिए पीछे बहुत सोहना सजाया है। लंगर चल रहा है मित्रों, देखो सामने, देखो बाहर भी लंगर दी पूरी तैयारियां ने, गोभी सारा कुछ, कल पकौड़े पकौड़े सब कुछ बनना। गुरुद्वारा साहब
सेक्टर 8 चंडीगढ़। देखो कितना खूबसूरत सजा रखा है, पूरी तैयारियां चल रही हैं। देखो कढ़ाई चल रही है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। इधर भी तैयार है, 1 2 3 4 5 6 कितने कढ़ाएँ हैं, मसाले लकड़ा। वाहेगुरु वाहेगुरु, बाबे नानक का लंगर, पातशाही 10वीं जी का गुरुद्वारा साहब। गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पे आए थे आनंदपुर साहिब जाने से पहले, पहले वो आए थे पौंटा साहिब, पौंटा साहिब से नाडा साहिब, नाडा साहिब से कूनी साहिब जो मनी माजरा में, फिर यहाँ पे, फिर आगे आनंदपुर साहिब गए थे। पहले कहते जो ओरिजिनल गुरुद्वारा साहब था ना वो मेन रोड पे होता था, फिर जब सेक्टर कट, जब गांव होता था ना तो रोड पे गुरुद्वारा साहब होता था, उसके बाद इसको थोड़ा इधर बनाया क्योंकि नक्शे में आ गया था, प्लान में कोई भाई मिला था अंदर, उन्होंने बताया कि पहले मेन रोड पे होता था जब ये विलेज होती थी जगह, जब चंडीगढ़ बना नहीं था, चंडीगढ़ बनने से पहले की बात है कि मेन रोड पे होता था, उसके बाद वहाँ रोड आ गई तो फिर थोड़ा इसको इस साइड बनाया। लंगर की बाकी पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, बड़ा स्वाद होता है लंगर तो, चाहे दाल का ही हो वो भी पेट भर देता और बड़ा स्वाद होता है, कोई कमी नहीं होती। गुरुद्वारे वर्गी दाल कहते कभी कितने नहीं बनती, पता नहीं क्या चीज़ डालते उसने, प्यार ही इतना होता है, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद इतना होता है कि मतलब वो वैसे ही स्वाद लगती है, पर लंगर जैसी दाल तो कहीं मिलती भी नहीं, चाहे इंसान रोज़ भी खाता रहे तब भी उसका मन नहीं भरता। बाकी लोग जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ थैले थुले लेके जा रहे हैं, गोभी है, मूलियाँ है, आटा है, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं जितना भी दे सकते हैं, वही बहुत होता है। देखो मित्रों स्क्रीन कितने लगी हुई है बाहर सड़क पे, दिखा रहे हैं लाइव गुरुद्वारा साहब, देखो अंदरों क्या बात है, मैंने पहली बार देखा ट्रैक्टर 8 का गुरुद्वारा साहब, तो इधर स्क्रीन लगी हुई है देखो बाहर ही सड़क पे ही, देखो सामने थोड़े अंदर का सारा कुछ दिखा रहे ने, असीं भी आए होवांगे इहदे च। हाँ जी मित्रों आपां लंगर लुंगर छक के मुंडे आए ने, नाले मत्था टेक आए, तुहानूं भी दिखाया गुरुद्वारा साहब कितना सजाया होया है, बड़ा ही सोहना लग रहा है। कल तो मेन दिन है जिस दिन गुरपुरब का दिहाड़ा है, त्यौहार है, ठीक है जी 15 नवंबर नू। बाकी थोड़े फुल भी दिखाए 8 लाख दे, सानू ऐ नहीं पता भी केड़ी केड़ी किस्म केड़े फुल दी सी, पर जो भी सी आपको दिखा दिया मम्मी सामने सामने जो भी था गुरुद्वारा साहब में। और यही फूल हांगकांग से मंगाए गए हैं, हमने बाबा जी से पूछा भी, वो कह रहे अंदर भी लगे हुए हैं बाहर भी लगे हैं, जगह जगह पे लगे, डेकोरेशन चल भी रही है और लंगर भी चल रहा है, रात को इतना लंगर चल रहा है। ये लोग खा के क्या क्या था लंगर में, बहुत कुछ था, बहुत कुछ क्या, कोई आइटम तो बता, दाल थी, दाल तो होगी, और लंगर की दाल तो वैसे ही बहुत स्वाद होती है, और छोले थे जो इनको पहुंचे नहीं इन तक, आलू गोभी थी, बाकी कड़ाह प्रसाद था सेगा ही, देख खादी वो तो चलो हलवा खाया, स्वाद सी पूरी, ते वो तो मैं भी खाता, लंगर मैं ता नहीं खाता क्योंकि मैं रात की रोटी अजकल बंद की हुई है थोड़े भरा ने, बाकी थोड़ा जो मैंने लालच भी आ रहे थे, मैं चलो कोई चक्कर नहीं, बाकी आप होर चीज़ें खावे मील रिप्लेसमेंट। बाकी ये ब्लॉग से जी गुरुद्वारा सेक्टर 8 चंडीगढ़ का, तो गुरपुरब का साढ़े वालों सारे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन लख लख मुबारक, करोड़ करोड़ मुबारक, दुनिया जिथे भी लोग बैठे ने जिथे वस रहे ने सारे मुबारक, बाबे नानक का लंगर इदा ही अटूट चलता रहे सारी दुनिया से, बड़ी खुशी हुई, बड़ा पीसफुल चंगा लग्या जाके गुरुद्वारा साहब के दर्शन किए, थोनू भी दिखाया जिन्ना हो सकया साढ़े तो। बाकी जी वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब कर दे चैनल, ठीक है जी, मिलते हैं किसी और ब्लॉग से जल्दी, सत श्री अकाल।